हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में तो आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा वाला जो 44-40 किट होता है, तो आज उसका हम वायरिंग करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें भी दो आईसी है, डुअल चैनल है, ठीक है, स्टूडियो है, और इसमें भी आउटपुट उतना ही मिलता है, लेकिन इसमें बेस ट्रेबल नहीं होता है। कार स्टूडियो जैसे कार वाला में लगता है ये सब, और इसमें बेस ट्रेबल नहीं देता दिया जाता है, तो आज इसी का हम वायरिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसका वायरिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो मैंने 44-40 के यहाँ पे बोर्ड ले लिया है और साथ में इसको ब्लूटूथ के साथ हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, देख, ब्लूटूथ मैंने ले लिया है और यहाँ पे मैं कुछ वायर ले रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसमें समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इसमें देखिए, तो यहाँ पे एक यहाँ पे कैपेसिटर लगा है, ठीक है, जिसका आप वैल्यू भी देख सकते हैं, 25 वोल्ट 2200 UF का है। ठीक है, तो आप इसमें DC सप्लाई आपको देना है यहाँ पे। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे, ये वाला माइनस है और इधर प्लस है, तो इसमें माइनस लगेगा 12 वोल्ट और इधर प्लस। अगर ट्रांसफार्मर से देना चाहते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं एक डायोड है, तो इस साइड आपको देना है, देख सकते हैं जिधर डायोड का ब्लैक साइड है, तो उधर आपको देना है, एक इधर दे देना है और एक ग्राउंड में दे देना है। तो ग्राउंड आप देख सकते हैं, किसी का ग्राउंड में दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इसका हम इसका वायरिंग कर लेते हैं। तो इसमें पहले हम इनपुट वायर लगाएंगे। ठीक है, तो इनपुट वायर लगाने के लिए तो आईसी का फर्स्ट नंबर ये होता है, देखिए इधर से 1 2 3 इंच इधर से आता है। ठीक है, तो आईसी के फर्स्ट वाला पिन में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आईसी का फर्स्ट वाला पिन इधर है, तो ये वाला फर्स्ट है, तो आप देख सकते हैं एक कैपेसिटर यहाँ पे लग गया है, एक यहाँ पे कैपेसिटर लग के और यहाँ पे आया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, तो इसमें हमारा जाएगा इनपुट। ठीक है, इनपुट इसमें लगेगा और बाकी ग्राउंड है, तो एक इसमें इनपुट लगेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 वोल्ट 100 का कैपेसिटर इसमें लगा है, तो इसी से हमारा आएगा यहाँ पे इनपुट। दूसरे में भी यहाँ से भी हमारा एक नंबर पिन यहाँ पे आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कैपेसिटर लग के और यहाँ पे आ गया, तो यही वाला हमारा इनपुट इसमें भी लगेगा। ठीक है, और ग्राउंड आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो चलिए पहले इसका हम कनेक्शन यहाँ पे कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो ये वाला वायर मिलता है, ठीक है, तो इस वायर को हम इसमें लगाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे बीच वाला इसका ग्राउंड होता है और बाकी का लेफ्ट राइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वायर ले लेता हूँ और एक इसमें लगा देना है आपको, एक इसमें, और दूसरा वायर है जो लेफ्ट राइट आप किसी में भी दे सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एक यहाँ पे, ठीक है, और एक दे देना है हमें ग्राउंड में, तो ग्राउंड आप कहीं पर भी दे सकते हैं, तो मैं ग्राउंड यहाँ पे दे देता हूँ। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसका दे दिया है, और जस्ट इसमें 5 वोल्ट देने के लिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 7805 का आईसी यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा जो तीसरा नंबर पिन है, तो तीसरा नंबर से हमारा आउटपुट निकलेगा, तो आप मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो देख लीजिए यहाँ पे तीसरा नंबर पिन ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा नंबर पिन यहाँ पे आया और इसमें एक डायोड लग के, यहाँ पे एक डायोड लग के और यहाँ पे कैपेसिटर में आया है, तो देख लीजिए, तो कैपेसिटर में यहीं से हमें लेना है, तो ये वाला माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो, यहाँ पे देख लीजिए कैपेसिटर जो लगा है ना, इसका माइनस प्लस देख के उसमें से हमारा 5 वोल्ट आउटपुट निकलेगा। तो मैं इसमें 5 वोल्ट इसमें निकाल, इसका जो लीड है ब्लूटूथ का, तो उसमें मैं लगा लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं प्लस में लगा दिया और यहाँ पे माइनस में, तो यहाँ पे इसका कनेक्शन हो गया फ्रेंड्स, हमें इनपुट देने के लिए हो गया। ठीक है, अब चलिए इसका आउटपुट हम निकाल लेते हैं। तो आउटपुट फ्रेंड्स आपको इस तरह करना है, ठीक है, और आईसी के उल्टा साइड से गिनना है। देख लीजिए, इधर से सीधा हमारा हो गया, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इधर से हमारा सीधा हो गया, ठीक है, और इधर से उल्टा हो गया, तो आपको कैसे किस में कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए 1 2 और 3, तीन नंबर पिन में यहाँ पे आया, यहाँ पे बड़ा प्रिंट है, तो एक इसमें हमारा लगा और एक जस्ट 5 नंबर पिन, तो 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर पिन यहाँ पे आया है, तो आप देख सकते हैं। तो
तो 3 नंबर और 5 नंबर में से हमारा आउटपुट निकलेगा। तो इसमें हम स्पीकर को वायर कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पर भी देख लीजिए 1 2 3, तो 3 यहाँ पे आया है और यहाँ पे 5 नंबर ये है, तो इसमें हमारा आउटपुट निकलेगा स्पीकर का, ठीक है। और वीडियो को कम्प्लीट वॉच कीजिए, तभी आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं तो नहीं आएगा तो आप लोग बोलेंगे नहीं सही से समझाया। तो देख लीजिए, तो मैं इसमें लगा देता हूँ 3 नंबर और 5 नंबर में स्पीकर का वायर लगा देता हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इसमें मैंने लगा दिया और इस चैनल में से मैं लगा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा आउटपुट का कनेक्शन इनपुट का हो गया, ठीक है। अभी में से 12 वोल्ट का सप्लाई इसमें देंगे। तो 12 वोल्ट का मैंने आपको बता दिया है, डीसी दे रहे हैं तो डायरेक्ट कैपेसिटर में, अगर एसी देना है तो यहाँ पे डायोड से दीजिए, ठीक है। तो मैं इसमें देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब इसका जो कनेक्टर है तो मैं इसमें लगा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट का लगा दिया और यहाँ पर 5 वोल्ट का मैं इसमें लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया, अब इसमें मैं स्पीकर कनेक्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं 4-4 इंच का मैंने 2 स्पीकर ले लिया है। तो अब मैं इसमें इसका कनेक्ट कर देता हूँ इसका वायर, ठीक है। तो इसका वायर मैं इसमें लगा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसको स्पीकर भी यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे रख देते हैं और जस्ट इसमें अब 12 वोल्ट है। यहाँ पे मैं बैटरी से दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं UPS का बैटरी है, तो मैं इसी से अब इसमें पावर दूंगा, ठीक है। तो मैं इसमें लगा देता हूँ वायर। तो यहाँ पे माइनस माइनस में दे देता हूँ और प्लस प्लस में, ठीक है। और मैं प्लस इसमें दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सारा कनेक्शन है, और यहाँ पे मैंने एक SD कार्ड लगा दिया है, तो इसी से मैं सॉन्ग इसमें प्ले करूँगा। तो ठीक है, तो यहाँ से मैं अब इसको स्पीकर यहाँ पे पावर देता हूँ। तो यहाँ पे ऑन हो चुका है फ्रेंड्स, तो आप इसका साउंड सुन सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपने इसका साउंड चले, और जो भी वाइब्रेशन हो रहा था, तो यहाँ कांच है, ठीक है, तो इसीलिए इस पर वाइब्रेट कर रहा था, ऐसे ऐसे बज रहा था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से इसका वायरिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में।